हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे आज हिमालयन रिवर्स। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने किया है डिस्कस इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। तो उसको डिटेल में वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो वो वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो आज यहाँ पे जो वीडियो होगा, जिसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे, जो टॉपिक होगा वो होगा गंगा रिवर सिस्टम, और इसके साथ साथ जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो गंगा रिवर सिस्टम की है, वो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओरिजिन के बारे में समझना होगा कि गंगा रिवर सिस्टम का ओरिजिन कहाँ है। तो ओरिजिन समझने से पहले जो है, हम इसके मैप पे जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा आसानी से जो है समझ आएगा। तो ये है एक मैप, जिसकी हेल्प से आप आसानी से समझोगे कि जो ओरिजिन है वो क्या है गंगा रिवर सिस्टम का। हालांकि आप जब बुक्स में पढ़ते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली दिया होता है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे है। लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर के एक साइड में एक और रिवर यानी एक सोर्स आता है, जिसका नाम है अलकनंदा। और जो ये अलकनंदा है, उसका ओरिजिन जो है वो है बद्रीनाथ। तो क्या होता है, जब अलकनंदा रिवर वहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको पांच जगहों पे, डिफरेंट पांच जगहों पे कुछ और जो होली रिवर्स है इंडिया की, जो हिंदूज के, वो ज्वाइन करते हैं। तो इनको जो है पंच प्रयाग कहा जाता है। तो किसकी जगह पे कौन सा रिवर इसको ज्वाइन करता है, अलकनंदा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको पता होगा सबसे पहले जो इसको ज्वाइन करेगा वो करेगा धौली गंगा, और जो प्लेस होगी उसको नाम पड़ा है विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ पे नंदकिनी एक और स्ट्रीम आई, और उसने अलकनंदा को ज्वाइन किया, और उस जगह का नाम पड़ा है वो है नंद प्रयाग। उसके बाद यहाँ से पिंडर गंगा एक और स्ट्रीम आई, और उसने यहाँ पे इस प्लेस पे जो है अलकनंदा को ज्वाइन किया, तो इसका नाम पड़ गया करना प्रयाग। और ऊपर से यहाँ से आया केदारनाथ से जो है एक और स्ट्रीम आई मंदकिनी, तो उसने जो है अलकनंदा को यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो इस प्लेस का नाम है रुद्रा प्रयाग। तो फाइनली जो अलकनंदा है वो यहाँ पे इस प्लेस पे जब पहुँचती है, तो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से आती है भागीरथी। तो जब गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पे भागीरथी आती है, तो वो अलकनंदा को यहाँ पे ज्वाइन करेगी, तो उस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो एक इम्पोर्टेंट जगह है, और आपको बताओ कि यहाँ से आगे जब ये फ्लो करती है, तो इसका नाम है गंगा। इस पॉइंट से आगे इस स्ट्रीम का फिर नाम पड़ता है, ये एक जॉइंट स्ट्रीम है, तो इसका नाम यहाँ से आगे जब ये फ्लो होती है, तो इसका नाम पड़ता है गंगा। तो जब आप बुक्स में देखते हो ग्लेशियर की, तो वहाँ पर लिखा होता है द सोर्स ऑफ गंगा इज़ गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो भागीरथी के नाम से यहाँ पे ये फ्लो करता है, लेकिन इसको जो है दूसरी साइड में अलकनंदा भी ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रीम को देखोगे, तो ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो ये जो है सोर्स है यमुना का, और यमुना आगे जो है फिर इसको ज्वाइन करेगी इलाहाबाद में गंगा को, तो वो हम वहीं पर देखेंगे। तो चलिए अब हम जो है कुछ डिटेल्ड पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगर हम अब डिटेल में जाएंगे, तो ओरिजिन जो है गंगा रिवर का, वो है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको गौमुख भी कहा जाता है। वो कहाँ पे है, वो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है, वहाँ से निकलता है। तो वहाँ पे उसका नाम जो है भागीरथी है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो भागीरथी को ज्वाइन करता है अलकनंदा, कहाँ पर ज्वाइन करता है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में ही एक जगह है। तो जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, तो वहाँ से आगे जब ये फ्लो होता है, तो इसका नाम पड़ता है गंगा रिवर। तो आपको बता दें अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अलकनंदा ओरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि ग्रेटर हिमालयाज में है बद्रीनाथ, वहाँ से इसका ओरिजिन है अलकनंदा का। अलकनंदा को हम ज्वाइन करते हैं पांच डिफरेंट रिवर्स, जो कि पांच प्लेस पे ज्वाइन करते हैं, और जब तक ये देवप्रयाग को पहुँचती है, तो वहाँ तक उसको फाइव डिफरेंट रिवर्स ज्वाइन करते हैं, जो कि हमने अभी इमेज में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आगे हम बात करेंगे अब लंगत की बात करेंगे हम गंगा की। तो गंगा जो है वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर, यानी जो एरिया कवर करता है फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स, यू कैन से इट,
माउथ यानी बे ऑफ बंगाल तक, तो ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। टोटल लेंथ क्या है वो है 2510 किलोमीटर्स। जी हाँ, तो मेजर पार्ट जो है आपको बता दें गंगा का वो किस स्टेट में जो है फ्लो करता है, वो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गंगा का पार्ट वो फ्लो करता है। तो गंगा का फ्लो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे इस तरह डायग्राम में। तो यहाँ पे एक पॉइंट है मैंने लिखा है, एक एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स इनटू द प्लेन्स, यानी जब हरिद्वार पे पहुँचती है तो गंगा फाइनली प्लेन एरिया में एंटर होती है, क्योंकि हरिद्वार तक जो है गंगा माउंटेनियस एरिया में ही जो है फ्लो करता है, लेकिन उसके बाद हरिद्वार जब वो पहुँचती है तो उसके बाद से वो प्लेन एरिया में चलना शुरू करता है। तो फ्लो क्या है, एक तो है सोर्स, जैसा कि आपने देखे है दो सोर्स है, तो हरिद्वार फिर फाइनली ये पहुँचता है। हरिद्वार के बाद क्या है अलाहाबाद, अलाहाबाद में इसको जो है यमुना ज्वाइन करता है, अलाहाबाद के बाद ये बिहार में चलती है जो प्लेन्स है बिहार के, उसके बाद ये राजमहल हिल्स जो है वहाँ से फ्लो होती है, फिर ये पहुँचती है एक प्लेस फरखा। ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस है क्योंकि फरखा में इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक पार्ट जो है वो बांग्लादेश में एंटर करता है, तो बांग्लादेश में इस गंगा को कहा जाता है पद्मा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा पार्ट जो है वो हुगली के एरिया से होते हुए कोलकाता पहुंचता है, और कोलकाता में फाइनली जो है एक प्लेस है तो सागर आइलैंड के पास ही वो, जो फिर फाइनली किस में जाती है बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, यानी इसका जो माउथ है फाइनली बे ऑफ बंगाल से ये मिलती है। तो ये था थोड़ा सा कोर्स ऑफ फ्लो, हम ये आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो अब क्या है हमारे पास ट्रिब्यूटरीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के लिए ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ किस साइड में आती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ किस साइड में आती है। तो चलिए अब हम मैप की हेल्प से यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है हिंट दे गई कहाँ से कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है, क्योंकि जो है आपका जो विजुअल होगा यहाँ पे ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू जब आप पढ़ोगे किताबों से, तो आपको फिर वो ज़्यादा आसान होगी वो चीज़ें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, पहले आपको पता है यहाँ पे ओरिजिन यहाँ से आता है गंगा का, तो सॉरी ये यमुना का, यहाँ से गंगा आता है, तो ये जो है गंगा रिवर है, ये इसका कोर्स ऑफ फ्लो है। तो सबसे पहले आपको समझ लो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन है। तो जैसा कि आपको पता है इस तरह से फ्लो होता है, या आप शेप देखोगे तो ये साइड क्या होता है, ये होता है राइट साइड, ये साइड होता है लेफ्ट साइड। तो जो यहाँ से इसको ज्वाइन करेगी वो होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, और जो ऊपर से इसको ज्वाइन करेगी वो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। जी हाँ, चलिए जब पहले हम देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ ने जो ऊपर से इसको आके ज्वाइन करती है। तो जैसा कि आपको पता है गंगा रिवर है, सबसे पहले गंगा को जो ज्वाइन करता है ट्रिब्यूटरी वो है राम गंगा, फिर नंबर टू पे लेफ्ट साइड में, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इसको ज्वाइन करती है वो है गोमती, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, और यहाँ से आके कोसी। ये है लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इसके आते हैं। तो ये फाइव रिवर्स जो किसको कहाँ से ज्वाइन करते हैं लेफ्ट से। राइट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है। जी हाँ, यमुना की आप देखिए खुद कितनी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना को चंबल ज्वाइन करता है, बिटवा ज्वाइन करता है, तो यमुना की खुद भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट, लेकिन यमुना इसको राइट साइड से ज्वाइन करता है, उसके साथ साथ तमसा इसको ज्वाइन करता है राइट साइड से, सोन रिवर्स को यहाँ से ज्वाइन करता है, और दामोदर, लेकिन ये दामोदर जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब दामोदर जो है खुद हुगली रिवर्स है यहाँ पे ज्वाइन होता है और फिर वो जो है गंगा से ज्वाइन करता है। जैसा कि मैंने आप बताया था अभी फरक का जो एक प्लेस है वहाँ पर इसको ये दो ब्रांचेस हो जाते हैं, एक ब्रांच जो है वो बांग्लादेश एंटर करती है जिसको वहाँ पे पद्मा कहा जाता है, दूसरे ब्रांच जो है वो कोलकाता साइड में फ्लो होके फाइनली बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। तो आपने इस मैप की हेल्प से जो है ये अच्छी तरह से समझा होगा कि किस तरह से ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है गंगा रिवर को। तो आई थिंक वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज और इसकी ट्रिब्यूटरीज के ओरिजिन को नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।